हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिर से उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। और हफ्ते दर हफ्ते जैसे कि जैसे प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है, इतना माल इकट्ठा होता चला जाता है कि चूज करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है क्या क्या करें। देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुझे तो अब शक भी होने लग गया है कि इसको अब मैं मौज भी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बार नामकरण हो गया तो उसके साथ रहना पड़ेगा। तो देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। सुधीर चौधरी ने चाइना के रेस्पेक्ट में ये कहा कि चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान है जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदि नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदि नहीं है, इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, इसलिए वहां के ज्यादातर सैनिक जो है ना वो इकलौते बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो इसलिए भी वो देश के लिए मरने से डरते हैं। अगेन एक थ्योरी फेंक दी बिना किसी रैशनल के, बिना किसी प्रूफ के। वो चाइना जहां से परिंदा भी पर मारता है, तो ये खबर भी मतलब किसी को बाहर पता नहीं चलती है, परिंदे के पर मारने से लेकर और बड़े से बड़े कांड हो जाते हैं चाइना के अंदर, लेकिन वहां की खबर बाहर नहीं आती है, वहां ट्विटर तक नहीं है। ठीक है, ये बात और है कि इंडिया में कुछ ट्रोल्स ने एक चाइनीज लड़की का ट्विटर अकाउंट बना के वहां से उल्टे सीधे ट्वीट करने शुरू कर दिए, वो ये बोल के चाइना में ट्विटर नहीं है। तो चाइना से कोई भी खबर बाहर नहीं आती है, लेकिन सुधीर चौधरी को ये पता चल गया। इतनी गहरी इमोशनल स्टेट चाइनीज फैमिलीज की सुधीर चौधरी को पता चल गई कि इकलौते बच्चे अपने देश के लिए मरने से डरते हैं। आपके लॉजिक से सुधीर चौधरी जी मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तानी सेना में भी बहुत सारे ऐसे अफसर जवान होंगे जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान होंगे, बहुत सारे को तो मैं खुद जानता हूँ। आपके हिसाब से, आपकी थ्योरी के हिसाब से उनका क्या स्टेटस है इसके बारे में? मतलब आपने अपने चैनल चलाने के चक्कर में इनडायरेक्टली अपने ही बहादुर जवानों को जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है उन पर ही सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। इस तरह की पत्रकारिता से आपका चैनल चल जाता है, आप साथ में कॉमिक बुक भी शुरू कर दो, वो भी अच्छी हिट होगी। कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है, 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है, यानी मोटे हो चुके हैं। तो सुधीर चौधरी जी कभी तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लिया कीजिए, पत्रकार तो आप हैं नहीं लेकिन कॉमन सेंस तो इस्तेमाल कर लिया कीजिए। पर आपसे कॉमन सेंस की उम्मीद करने का मतलब वही है कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। चाइना के साथ हुई मुठभेड़ पे फाइनली मोदी जी बोले, देखिए उनका वीडियो। शुरुआत करी उन्होंने मौन से, फिर उन्होंने बोला हम शांति चाहते हैं। मोदी जी के मुंह से ये लव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं मोदी जी ये बोलते हुए कि वो भी शांति चाहते हैं, बड़ा सुकून मिलता है सुनके। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने साथ में यह भी बोला कि हम को अगर प्रवोक किया गया तो हम सख्त कदम उठाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने जवानों की शहादत के बाद आप प्रवोक हो गए, उसकी कोई अपर लिमिट है या आपके मूड पर डिपेंड करता है कि भाई अब काफी हो गया है? वैसे मैं एक बात मानता हूं, ये वाला जो सख्त कदम आपने उठाया है ना, आपका पता नहीं मोदी जी, लेकिन पूरा देश प्रवोक हो चुका है। जी न्यूज ने तो हिंदी चीनी बाय बाय करके हैशटैग भी चला लिया और अपने प्रोग्राम में अनाउंस भी किया कि उनका ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब इस दौरान उन्होंने वीर रस की कविता पढ़ डाली और उसके जरिए अपना चैनल बेच दिया कि हिंदी चीनी बाय बाय चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर आप सबका हैशटैग कुछ ही मिनटों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और ये हैशटैग है हिंदी चीनी
बाय बाय। मतलब अब चाइना में तो खलबली मच गई होगी, नींद नहीं आ रही होगी शी जिनपिंग को कि यार ओहो जी न्यूज ने ये चला दिया हिंदी चीनी बाय बाय, और वो ट्रेंड भी हो गया, मैं घबरा रहा हूँ मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज जल्दी से अपनी सेना वापस बुलाओ, पीछे करो सबके सब है। कल को जी न्यूज ये भी चला देगा कि भाई इनके ट्विटर ट्रेंड की वजह से जो है ना शी जिनपिंग की जो पॉपुलैरिटी है वो अप्रूवल रेटिंग जो है वो चाइना में बहुत कम हो गई है। कि हमारे शरीर पर बम बांधिए, हम राष्ट्रीय हिंदू युवा वाणी के कार्यकर्ता, वंदे मातरम सैनिक, वंदे मातरम मिशन कार्यकर्ता बॉर्डर पे जाकर इन दुष्ट चीनियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं, अपने बॉडी पे बम बांध के पूरे चीन को उड़ाने की हिम्मत रखते हैं और उड़ाना चाहते हैं, भारत सरकार हमें आदेश करे। आप देश का जज्बा देखिए, ये वीडियो देखिए। लेने के लिए भाई साहब ने अपना जो टीवी है उसको छत से नीचे फेंका, और लोगों ने टीवी से बदला नहीं लिया, उसे सिर्फ बायकॉट नहीं किया, उसको कूटा है, रख रख के मारा है ढंग ढंग से। इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं देशभक्ति। लेकिन थोड़ी सी गलती होगी, जिस टीवी को आप इतनी बेरहमी से कूट रहे हैं उसके पैसे ऑलरेडी चाइना के पास जा चुके हैं। ये जो आप एक्चुअली थोड़ फोड़ कर रहे हो ना, ये आप अपनी जेब से खरीदे हुए टीवी को कर रहे हो और अपने पैसे का नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जज्बा आपका अच्छा था, जज्बा आपका बेहद अच्छा था, देश के लिए बनता है, लेकिन सरकारी लेवल पे हो तो ज्यादा बेहतर है। आपके लेवल पे आप खुद ना जिस टहनी पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं देशभक्ति ना दिमाग से करो, नहीं तो जेब कट जाती है। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर रामदास अथावले भी इस देशभक्ति की रेस में शामिल हो गए और अपना जज्बा प्रूव करने में लग गए हैं, और ये बताने लग गए कितने प्रवोक्ड हैं वो चाइनीज अग्रेशन से। उन्होंने बोला है कि जितने भी रेस्टोरेंट जो चाइनीज फूड खिलाते हैं उन सबको बॉयकॉट करो। पहली बात तो रामदास जी, जो चाइनीज फूड जो रेस्टोरेंट खिलाते हैं वो मतलब हमारे ही रेस्टोरेंट, उसमें हमारे ही बंदे बना रहे हैं, हमारे ही एम्प्लॉयज हैं, और आप पता नहीं उन रेस्टोरेंट में गए हो या नहीं गए हो, लेकिन उन रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो हार्डली चाइनीज है, वो चाइना में भी नहीं मिलता वो खाना, वो इंडियन कंकॉक्शन है, इंडिया की क्रिएटिविटी है। रेयरली कभी कहीं भी कोई ऑथेंटिक चाइनीज आपको खाने को मिल जाता होगा, लेकिन उनका बॉयकॉट करने को आपने बोल दिया, क्योंकि हमारे एक सीजन और जुड़ गया है बॉयकॉट सीजन, उसका कोई ना कोई बहाना हो जाता है, इस बार इसको बॉयकॉट करेंगे। अगर ऐसा कोई खाना है जो चाइना में बहुत ज्यादा खाया जाता है और उसको बॉयकॉट करना है तो वो राइस है। ओह शिट, अब आप राइस को ना बॉयकॉट कर देना यार। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं, और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जोन उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। उधर आसनसोल में अलग ही जज्बा है, बीजेपी के जियालों ने जोश जोश में मतलब वो प्रोटेस्ट करने के चक्कर में एक पुतला जला दिया, ये बोल के कि ये चाइना के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, लेकिन पुतला जला रहे थे शी जिनपिंग की जगह कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के लीडर का, किम जोंग उन का, उसका पुतला जला दिया है। मतलब यार प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने को कहा है, आलसी नहीं, गूगल तो कर लेते हैं। मतलब आप ये देखो कि अगर जो शी जिनपिंग को ये पता भी चल जाए कि आसनसोल में बीजेपी के जियालों ने क्या कारनामा करके दिखाया है, तो मुझे पता नहीं उसके और क्या रिएक्शन होंगे। एक रिएक्शन पक्का होगा, ROFL। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। फाइनली प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीट में यह बोल दिया है कि ऐसा कोई चाइनीज अग्रेशन हुआ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है यहां पे, और वो जो हमारे जो जवान मरे थे वो ऐसी खेल खेल में हो गया क्या? मतलब जो शहादत उन्होंने ली, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई वो ऐसी होगी खामखा? प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से अमेरिकन स्पाई म्यूजियम से जो वॉशिंगटन है वहां से एक टी शर्ट खरीद रखी है जो मेरे पास भी है, उस पर लिखा हुआ है डिनाई एवरीथिंग। आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया मोदी, झूठ बोल रहा है, करो भी बात, कौन मना करता है भाई। इन वीडियोस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही। दोस्तों राजस्थान में एक अजीब घटना हुई, एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट जो है ना वेंटिलेटर पे लगा हुआ था, और पेशेंट के जो रिश्तेदार उसके आसपास बैठे हुए थे उनको गर्मी लगने लगी बहुत ज्यादा, राजस्थान गर्म हो ही जाता है इस टाइम पे, उन्होंने वेंटिलेटर का प्लग निकाल के ना एयर कूलर का प्लग उसमें लगा दिया और थोड़ी देर में पेशेंट मर गया। क्या करें, मैं हमेशा बोलता हूं हिंदुस्तान का बंदा बुरा नहीं है, मौसम ही ऐसा है कि आदमी को ये हरकतें करने पे मजबूर कर देता है।
जनता उच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए बार देख मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।